सज्जाद हुसैन उन संगीतकारों में से थे जिनका संगीत लाजवाब है, यादगार है, मगर फिर भी कामयाबी उनसे दो कदम दूर ही रही। इसके पीछे यूं तो कई वजह हैं, लेकिन मुख्य कारण माना जाता है उनका व्यवहार। एक तो वो परफेक्शनिस्ट थे और दूसरा बहुत गुस्से वाले, कह लें कि दुनियादारी की रवायतों को ठीक से नहीं समझते थे। यही वजह रही कि उन्हें कम फिल्में मिली। फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम हम न भूल दिल में समा गए सजन फूल खिले चमन इस पार इस दीवार के जो रहते हैं कोई कह दे उनसे जाके। 15 जून 1917 को मध्य प्रदेश के सीतामऊ में जन्मे सज्जाद हुसैन के पिता अमीर खान बहुत अच्छा सितार बजाते थे। हालांकि पेशे से वो एक दर्जी थे और जब उन्हें सीतामऊ स्टेट के राजा राम सिंह द्वितीय की पोशाक बनाने का काम मिला तो उन्हें दरबार में रहने का मौका मिला और वहां होने वाली संगीत की महफिलों को देखने का मौका भी मिला। बस वहीं से सितार से ऐसा लगाव हुआ कि सितार न सिर्फ सीखा बल्कि उसमें महारत भी हासिल की। उनके 5 और 4 यानी 9 में सज्जाद हुसैन सबसे छोटे थे। वो अपने पिता के साथ महल जाया करते थे और वहीं संगीत की महफिलों में देख सुनकर वो भी सितार की तरफ खिंचते चले गए। एक दिन जब वो महल से लौटे तो घर आकर सितार पर एक बहुत मुश्किल धुन उन्होंने बजाई। उनके पिता ये देखकर हैरान रह गए कि कैसे इतने छोटे बच्चे ने बिना सीखे वो धुन हूबहू बजा ली। उनके पिता उनके हुनर को पहचान गए थे और फिर जो उन्होंने सीखा था वही सज्जाद हुसैन को भी सिखाया। सितार में महारत हासिल करने के बाद सज्जाद हुसैन ने दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में भी महारत हासिल की, लेकिन मैंडोलिन के वो जादूगर थे और इतने एक्सपर्ट कि वो राग रागनियों को भी मैंडोलिन पर खूबसूरती और ईज के साथ बजाते थे। कोलकाता के अखिल भारतीय शास्त्रीय संगीत सम्मेलन में उन्होंने बहुत से कठिन रागों को मैंडोलिन पर बजा कर वहाँ बैठे बड़े बड़े उस्तादों को आश्चर्यचकित कर दिया था। सज्जाद हुसैन के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा संगीत को रोजी रोटी का जरिया बनाए, इसीलिए सज्जाद हुसैन ने कभी इस विषय में नहीं सोचा। लेकिन पिता की मौत के बाद जब हालात खराब होने लगे तो 2 बाद वो अपने बड़े भाई निसार हुसैन के साथ फिल्मों में किस्मत आजमाने मुंबई चले गए। उन्हें इतने इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते थे कि वो अपने आप में ही एक ऑर्केस्ट्रा थे, तो काम मिलना मुश्किल नहीं था। सबसे पहले उन्हें 30 महीने की तनख्वाह पर मिनर्वा मूवी टोन में काम मिला। इसके बाद उन्होंने वाडिया मूवी टोन में 60 महीने की तनख्वाह पर नौकरी की। वाडिया मूवी टोन छोड़ने के बाद कुछ समय तक सज्जाद हुसैन ने ऑल इंडिया रेडियो पर भी काम किया, लेकिन वो जॉब भी बस कुछ महीनों में ही छोड़ दी। फिर मीर साहब रफीक गजनवी के सहायक रहे। वो मीना कुमारी के पिता अली बख्श के सहायक भी रहे। फिर उनकी मुलाकात हुई संगीतकार हनुमान प्रसाद से, जो सज्जाद हुसैन से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपना सहायक बना लिया। 1944 की फिल्म गाली में हनुमान प्रसाद के साथ उन्होंने भी संगीत दिया था। कहा जाता है कि जब शौकत हुसैन रिजवी फिल्म दोस्त बना रहे थे तो उसमें संगीत देने के लिए पहले मीना कुमारी के पिता अली बख्श को लिया गया था, लेकिन उनकी बनाई धुने फिल्म के निर्देशक शौकत हुसैन को पसंद ही नहीं आ रही थी। उस वक्त तक सज्जाद हुसैन सहायक का काम करना बंद कर चुके थे क्योंकि वो खुद संगीतकार बनना चाहते थे, मगर उन्हें कोई मौका मिल नहीं पा रहा था। और जब ये मौका मिला तो वो अली बख्श के साथ शौकत हुसैन से मिलने पहुंचे। उन्हें धुन सुनाई गई लेकिन उनका कोई रिएक्शन ही नहीं आया। लेकिन वहाँ बैठी नूरजहाँ ने भी ये धुन सुनी और उन्हें वो धुन बहुत पसंद आई और इस तरह 1944 की फिल्म दोस्त बतौर स्वतंत्र और सोलो संगीतकार सज्जाद हुसैन की पहली फिल्म बन गई। बदनाम मोहब्बत कौन करे और इश्क को रुतवा कौन करे। लेकिन उनके नाम के साथ विवाद भी यहीं से जुड़ने लगे। इस फिल्म में गाने गाए थे नूरजहां ने, जिनसे शौकत हुसैन रिजवी ने शादी की, तो जब गानों को लोकप्रियता मिली तो शौकत हुसैन रिजवी ने सारा श्रेय गायिका नूरजहां को दे दिया। इस बात पर सज्जाद हुसैन को बहुत बुरा लगा। कुछ उनका स्वभाव भी गुस्से वाला था। बस उन्होंने तय कर लिया कि वो फिर कभी नूरजहां से गाना नहीं गवाएंगे। नूरजहां का उस समय बहुत नाम था, हर कोई उन्हें फिल्म में लेने की तमन्ना रखता था। ऐसे में जुगनू जैसी कुछ अच्छी फिल्में सज्जाद हुसैन के हाथ से निकल गईं। 40s में सज्जाद हुसैन ने धर्म, तिलस्मी दुनिया,
1857, कसम, मेरे भगवान और रूपलेखा जैसी कुछ फिल्मों में म्यूजिक दिया, मगर फिल्में ज्यादा कामयाब नहीं रहीं तो उनमें सज्जाद हुसैन का संगीत भी अनसुना ही रह गया। फिर 1950 में आई खेल। ये फिल्म इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसी फिल्म में पहली बार लता मंगेशकर ने सज्जाद हुसैन के लिए गाने गाए थे। इसके कुछ गाने तकनीक और अंदाज के हिसाब से बहुत अलग थे और मुश्किल भी। हम भी यहाँ वादों के सहारे जी लेंगे। सज्जाद हुसैन लता मंगेशकर के पसंदीदा संगीतकार थे और वो भी लता मंगेशकर की गायकी से बहुत प्रभावित थे। हालांकि दोनों ने बहुत कम काम साथ में किया, मगर लता मंगेशकर खुद मानती थीं कि उन्हें खुश करना आसान नहीं था, लेकिन इसी वजह से उन्होंने सज्जाद हुसैन से गायन की कई बारीकियां सीखी। एक बार का किस्सा है कि जब रिहर्सल हो रही थी और लता मंगेशकर उस तरह नहीं गा पा रही थी जैसा सज्जाद हुसैन चाहते थे, कहते हैं तब उन्होंने डांटते हुए कहा, लता जी ठीक से गाइए, ये नौशाद मियाँ का गाना नहीं है। वो जितने प्रतिभाशाली थे, अपनी उस प्रतिभा पर उन्हें उतना गुरूर भी था। वो अपने और गुलाम हैदर के सिवा किसी और को संगीतकार मानते ही नहीं थे, लेकिन लता मंगेशकर की काबिलियत की बहुत कदर करते थे। उनकी नज़रों में लता और नूरजहां ये दो ही बेहतरीन गायिकाएं थीं। 1951 में के आसिफ की फिल्म हलचल आई, जिसमें दो संगीतकार थे, सज्जाद हुसैन और मोहम्मद शफी। मेरे नसीब ने मुझको। 1951 में आई सैया में भी उनके संगीत की बहुत तारीफ हुई। मगर उनकी तब तक की सबसे मशहूर फिल्म रही संग दिल। ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक। तलत महमूद के गाए इस गीत को लोग आज भी गुनगुनाते हैं, तो उस समय इसकी लोकप्रियता का आलम ही अलग रहा होगा। इस गाने के 17 टेक्स लेने के बावजूद सज्जाद हुसैन इसके एक इंटरल्यूड के हिस्से से खुश नहीं थे। इस फिल्म का सिर्फ यही गाना नहीं बल्कि दूसरे गाने भी बहुत मशहूर हुए, लेकिन इतना मधुर संगीत होने के बावजूद, फिल्म की कामयाबी के बावजूद सज्जाद हुसैन को 3 साल तक कोई काम नहीं मिला। कितना दुखद है, मगर सच है, कड़वा सच। कहते हैं इस फिल्म के दौरान संगीतकार सज्जाद हुसैन और फिल्म के हीरो दिलीप कुमार के बीच कोई गलतफहमी हो गई थी। नतीजा ये निकला कि उन्हें दिलीप कुमार के लिए तो फिर कभी भी म्यूजिक देने का मौका दिया ही नहीं गया, बल्कि अगले 3 साल तक उन्हें किसी भी फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिला। 1955 में रुखसाना फिल्म के बाद सालों तक उनकी कोई हिंदी फिल्म नहीं आई। 1959 में एक श्रीलंकन फिल्म में उनका म्यूजिक सुनाई दिया। पुणे के प्रसाद स्टूडियो में उस फिल्म की शूटिंग हुई थी। फिल्म का नाम था दैवा योग्य और ये श्रीलंका में सुपरहिट रही थी, लेकिन तब भी उनकी अगली हिंदी फिल्म आने में सालों लग गए। लेकिन जब वो फिल्म आई तो उसका संगीत इतना लाजवाब और यादगार बना कि आज भी सज्जाद हुसैन का नाम लेते ही सबसे पहले इसी फिल्म का नाम याद आता है, रुस्तम सोहराब, जो 1963 में आई थी। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है छुपा। रुस्तम सोहराब जहां अभिनेत्री के रूप में सुरैया की आखिरी फिल्म थी, वहीं संगीतकार के रूप में सज्जाद हुसैन की आखिरी मशहूर फिल्म थी। इतना उम्दा और हिट म्यूजिक देने के बाद भी फिल्म मेकर्स का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। इसके बाद 1973 की मेरा शिकार और 1977 की आखिरी सजदा में ही उन्होंने संगीत दिया। बतौर संगीतकार सज्जाद हुसैन को फिल्में नहीं मिल रही थी, मगर मैंडोलिन बजाने के प्रस्ताव उन्हें लगातार मिलते रहे। 1959 में आई फिल्म दो बहने के टाइटल ट्रैक में उन्होंने मैंडोलिन बजाया। 1975 में आई तेलुगु फिल्म मुथ्याला मुग्गु में उनकी कंपोज की गई मैंडोलिन कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल किया गया। अपने आखिरी दिनों में सज्जाद हुसैन ने साधारण जिंदगी जी। वो कॉन्सर्ट्स में मैंडोलिन पर हिंदुस्तानी संगीत परफॉर्म किया करते थे। उनके 5 बेटे भी संगीत से ही जुड़े रहे और अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करते रहे। 21 जुलाई 1995 को सज्जाद हुसैन इस दुनिया से रुखसत हो गए। अपने पूरे फिल्मी सफ़र में उन्होंने 20 से भी कम फिल्में की, मगर वो कितने प्रतिभाशाली थे इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो अकेले ऐसे संगीतकार थे जिनका कोई सहायक नहीं रहा। वो धुन से लेकर ऑर्केस्ट्रा तक हर पहलू पर खुद ही काम किया करते थे।
अपनी हर रचना को तब तक खुद संवारते रहते थे जब तक वो एक शाहकार न बन जाए। संगीतकार अनिल बिस्वास के अनुसार सज्जाद हुसैन अकेले ऐसे संगीतकार थे जिन्हें मौलिक संगीतकार का खिताब दिया जा सकता है। नूरजहां ने भी उनकी मौत पर कहा था कि ऐसे लोग रोज रोज पैदा नहीं होते, मगर मौत के वक्त उनके जनाजे पर इंडस्ट्री से सिर्फ दो लोग मौजूद थे, खयाम और पंकज उदास। यही है फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई, ये जब किसी को ऊंचा उठाती है तो उसे सर आंखों पे बिठा लेती है, और जब किसी को नीचे गिराती है तो इस तरह भुला देती है जैसे कभी उस हस्ती का कोई वजूद रहा ही ना हो।